दोस्तों, इस प्रकार की टैक्सी आप जो देख रहे हैं उसे आप हॉलीवुड मूवी में या फिर विदेशों में देखा होगा। इसे पॉड टैक्सी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये पॉड टैक्सी है क्या और भारत में पॉड टैक्सी कहाँ और कब शुरू होने वाली है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉड टैक्सी होता क्या है। दोस्तों, पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट मतलब PRT या फिर पॉड कार या फिर पॉड टैक्सी एक ही तकनीक कार के नाम है। दोस्तों, पॉड कार को सौर ऊर्जा की मदद से चलाया जाता है। इसको पूरी तरह से स्वचालित बनाया गया है। इसके जरिए 3 से लेकर 6 यात्री तक एक बार में ले जाया जा सकता है। दोस्तों, पॉड कार होता क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इसके आखिर फायदे क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पॉड कार को सौर ऊर्जा की मदद से संचालित किया जाता है। मतलब साफ है कि देश में लगातार वाहनों की वजह से बढ़ रहे प्रदूषण पर काफी हद तक रोकथाम करने में सफलता मिल सकती है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, घनी आबादी के कारण लोगों को ट्रैफिक का भी बहुत अधिक सामना करना पड़ता है एवं अपने घर तक या मंजिल तक पहुंचने के लिए कई वाहनों को बदलना पड़ता है। तो दोस्तों, इस पॉड कार के आने से इस समस्याओं का भी सामना आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों, लेकिन ये पॉड कार वाला आइडिया आया कहाँ से, इसका इतिहास क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसकी संरचना करने का विचार डॉन फिक्टर नाम के एक यातायात की योजना बनाने वाले द्वारा 1953 में दिया गया था। इसके बाद सन 1968 में इसको पहली बार एक प्रारूप दिया गया। इसमें काफी सालों से काम चल रहा है। दोस्तों, सन 2010 में मैक्सिकन के एक कॉलेज ने इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रारूप विकसित करके सन 2014 में गॉडल जारा नामक एक जगह पर इस कार का परीक्षण किया गया। हालांकि पहली पॉड कार वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में चलाई गई थी, जो कि 1970 में यह कारनामा किया गया था।